हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है गूगल ड्राइव में जो फोल्डर होता है उसमें जो भी डायरेक्ट जितने भी फाइल होते हैं उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे, और वो भी ऐप स्क्रिप्ट के जरिए। तो ये हमारा एक डेटाबेस है, हमने एक शीट बना रखी है, सॉरी डेटाबेस नहीं है, ये शीट है, ठीक है। इस शीट पे मैं चाहता हूँ कि गूगल ड्राइव पे जो मेरा फोल्डर है उसमें जितने भी फाइल हैं उसका यहाँ पे लिस्ट हुआ आ जाए, नाम के साथ लास्ट अपडेट कब हुआ है, फाइल का ओनर कौन है, फाइल का नेम क्या है, वो शेयरिंग मोड में किस लेवल पे है और उसका यूआरएल लिंक क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जो है कोड को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने कोड बना लिया है और तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ताकि कोड लिखने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये है, जैसे ये गूगल ड्राइव है, आप चाहते हैं इस फोल्डर जो भी फोल्डर है इसमें से आप जो भी चाहते हैं, जिस फोल्डर का डायरेक्टरी आप चेक करना चाहते हैं उसमें जितने भी फाइल पड़े हुए हैं वो सारे लिस्टिंग जो है यहाँ पे गूगल शीट में यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाए, और विथ यूआरएल नेम और ऑनर कौन है उसका, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सब्सक्राइब आपका जो है हिम्मत मिलता है मेरी वीडियो बनाने में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम ऐप एडिटर में गए, ऐप स्क्रिप्ट में, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से टूल्स में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे और ये हमारा कोड आ गया है। मैं कोड आपको बता देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ड्राइव पे गया मैं और इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, इसका मैं नाम कॉपी कर लिया मैंने, और इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है मैं उसका लिस्ट चाहिए मुझे। तो अब चलते हैं कोड की तरफ। तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गेट फाइल्स, और उसको SS तो एक्टिव कर लिया, स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट स्प्रेडशीट ऐप, इसको हमने एक्टिवेट कर लिया, और यहाँ पे वेरिएबल फोल्डर बनाया और फोल्डर में उस फोल्डर का नाम डाल दिया हमने, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था ये हमने नाम कॉपी कर लिया। अगर आप अपने अब इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना फोल्डर का नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेस योर फोल्डर नेम, उसके बाद से आपको ये समझना है तो इस फोल्डर लिस्टिंग लिस्ट ऑफ ऑर्डर प्लस फोल्डर नेम, ठीक है, इसका नाम आएगा, और पेरेंट्स एज पेरेंट्स ये वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, गेट ड्राइव फोल्डर बाई नेम ये नेम से उसको पकड़ लेगा, यहाँ पे देखिए फोल्डर हमने इसको कॉल कर रखा फोल्डर को, और ये एक्टिव स्प्रेडशीट हो गया, मतलब इस स्प्रेडशीट को ये एक्टिव किया हुआ है, इस पे आना है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द नेम ऑफ डिस्प्ले द रिजल्ट गूगल शीट, मतलब आप जो है ये जो फोल्डर पड़ा हुआ है, ये जो डायरेक्टरी पड़ा हुआ है, कि आप फोल्डर का जो डिटेल है किस मोड में चाहते हैं, जैसे ये है लास्ट डेट अपडेट क्या है, उसका ओनर का नाम क्या है, ये जितने भी डिटेल हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे मैंने डाला लास्ट अपडेटेड, फाइल ओनर, फाइल नेम, फाइल शेयर और फाइल यूआरएल, ये आपको यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपको कौन कौन से हेडर चाहिए, ताकि वो गूगल शीट में उसी हिसाब से डेटा आएगा। और यहाँ पे जो है शीट गेट रेंज A1, और यहाँ पे लिस्ट ले लिया है इसने, शीट रेंज पकड़ लिया है शीट का, कि यहाँ से लेके और इन्फिनिटिव तो जाएगा, जितने वहाँ पे लिस्ट मिलेंगी उसको वहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करेगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा, पहले तो क्लियर करेगा क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गेट रेंज और क्लियर कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है। उसके बाद से हो सकता है कि पहले से डेटा पड़ा हो तो उसको ये क्लियर कर रहा है, पहले फर्स्ट ऑफ ये क्लियर कर रहा है, उसके बाद जो है आप कह रहे हैं सीट गेट रेंज सी डॉट A1 और A1 गेट सेट हेडर, तो हेडर को ये सेट कर रहा है, जो आपने यहाँ पे हेडर डाला है इसको यहाँ पे A1 से लेके E1 तक, मतलब A1 और E1, यहाँ देखिए A1 E1 है, यहाँ पे हेडर ये सेट कर रहा है। उसके बाद से फोल्डर यहाँ पे वेरिएबल हमने डिफाइन किया, नो नीड टू चेंज हेयर, मतलब आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो मैं आप समझा देता हूँ आप एक बार इसको, वेरिएबल फोल्डर ले लिया हमने, पेरेंट्स को यहाँ पे पेरेंट्स जो वो हमारा फोल्डर है उसको हमने डॉट नेक्स्ट कर दिया,
डॉट नेक्स्ट से मतलब नेक्स्ट 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 करता चला जाएगा जितनी भी फाइल होंगी उसमें, और फाइल्स के अंदर फाइल्स फोल्डर डॉट गेट फाइल्स। अब मतलब इसके अंदर जितनी भी फाइलें होंगी वो इसको यहाँ पे गेट फाइल कर लिया, मतलब वो गेट पकड़ लिया उसको। उसके बाद से वेरिएबल हमने काउंट कर दिया आई इक्वल टू वन। वाइल अब लूप चलाते हैं फाइल फाइल्स डॉट हैज नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट है तो फाइल फाइल इंडेक्स डॉट नेक्स्ट, ये लूप चल रहा है ठीक है। इफ एस एस डी इक्वल टू ब्लैंक तो फाइल आई डी यहाँ पे कर देगा और ये कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद से है अब इसने सारा डेटा इसने उठा लिया है, अब जितने इस फोल्डर में पड़े हुए हैं डेटा, इस फोल्डर में जितने भी डेटा पड़ा हुआ है फाइल पड़ा हुआ है उसको इसने उठा लिया है। अब कह रहा है कि अब इसको पेस्ट कहाँ करना है, पेस्ट करने के लिए अब हमको डालना पड़ेगा, आपको शीट का लोकेशन बताना पड़ेगा इसको। शीट गेट रेंज आई, ये देखिए आई पहला कॉलम से आई प्लस वन और कॉलम नंबर वन, रो नंबर वन और मैक्स कॉलम फाइव है। नंबर ऑफ रो है यहाँ पे वन और मैक्स कॉलम है फाइव, मतलब पांच कॉलम ही मैक्स है। और वहां पे कर रहा है सेट वैल्यूज, सेट वैल्यूज में क्या करेगा, आपने जो ये डिफाइन किया है इसी का इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन और उसके बाद से लिखेंगे फाइल डॉट गेट लास्ट अपडेटेड। अगर आप आपको अगर ऐसे समझना है तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ पर जैसे जैसे ही आप करेंगे डॉट लगाएंगे गेट फाइल गेट अपडेटेड, ये देखिए लास्ट अपडेटेड, तो इस तरीके से ये आ जाता है। ऐसे ही कॉमा करेंगे और उसके बाद से ओनर का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद गेट फाइल नेम ठीक है, यहाँ तक एक वैल्यू है। उसके बाद से आप यहाँ पे गेट फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है, गेट फाइल शेयरिंग परमिशन, परमिशन क्या है, उसमें एडिट का मोड दिया है आपने कि नहीं दिया है, और उसके बाद से नेक्स्ट है यूआरएल का लिंक। और ये ध्यान रखिएगा जितने आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे कॉलम नंबर भी फाइव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे चार डिफाइन कर दिया और यहाँ पे पांच रह गया तो वो भी गलत हो जाएगा, स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा और वो जो है रुक जाएगा आगे। तो यहाँ पे उसने वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसने डेटा उठा लिया और इस वाले कॉलम से यहाँ से शुरू करेगा पेस्टिंग करना। और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटिव चलेगा, जितनी फाइलें मिलेंगी उतनी फाइलें ये करता ही चला जाएगा, एक नंबर से शुरू करेगा और जितनी फाइलें मिलेंगी वहां तक ये करता चला जाएगा। तो ये तो हो गया कोड, अब हम इसको करते हैं रन। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करता हूँ और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और अब करता हूँ इसको गेट फाइल। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं कर्सर छोड़ दिया हूँ, अब यहाँ पे देखिए अपने आप ये सारा डेटा आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी आपके फोल्डर में जितनी फाइलें होंगी, जितनी ज़्यादा फाइलें होंगी उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा। तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया है डेटा। लास्ट अपडेट ये 27 तारीख को हुआ है, ऑनर कौन है, मेरा ही नाम आ रहा है रमेश ठीक है। और उसके बाद से ये फाइल का नाम क्या है, उसके बाद से इस फाइल में एडिट का परमिशन है कि नहीं है, मतलब अभी इसका मैं बता देता हूँ। पहले ये फाइल शेयरिंग में आ गया और इसका यूआरएल लिंक आ गया, ये सारा देखेंगे आप, इसको यूआरएल पूरा लिंक आ गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एडिट का मतलब ये हुआ कि ये सब अगर फाइल को मैं खोलूँ ना तो इसमें ऐसा होगा कि आपने जो है इसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में नहीं किया होगा। अगर मैं इस लिंक को यहाँ से देखूँ, ये तो फॉर्म है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप इसका यूआरएल प्रोटेक्ट नहीं किए होंगे। आप ये लिख देखिए, लिखा है ना एनी एनी वन ऑन द इंटरनेट विद द लिंक कैन एडिट, मतलब उसके पास अगर लिंक होगा तो वो एडिट कर सकता है उस चीज को, तो ये इसका मतलब यही हुआ ठीक है। और दूसरे वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला ये कह रहा है ट्यूटोरियल डेटा, मैं इसको दिखा देता हूँ, इसमें नन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी के पास लिंक चला भी गया होगा तो उसका जो है ये कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं चलता हूँ और अपलोड हो जाए एक बार, और यहाँ से
यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड मोड है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड मोड है। ओनली पीपल एडिट कैन ओपन विद दिस लिंक, ओपन कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से है परमिशन इसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसका लिंक मैं कोड डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूँ कोडिंग से रिलेटेड, बहुत सारे टॉपिक में बनाता रहा हूँ जी सूट से रिलेटेड। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।